सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं महाकाल वाला ये जो फोटो है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको मैंने पिक दिखाया है, तो मैं कुछ उसी प्रकार का ये जो फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा कि ये जो फोटो है कैसे बना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फोटो एडिट करने के लिए आप प्ले स्टोर से जाकर पिकचार्ट एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो आप भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इसका जो लिंक है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो इस प्रकार का एक बैकग्राउंड आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। फिर आपको अपनी फ़ोटो ऐड करने के लिए नीचे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने जो है फ़ोटो रूम की सहायता से इस बैकग्राउंड को इरेज किया है। फिर इसको आप अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम इसको जो है ऊपर से राइट कर देंगे। तो राइट करने के बाद ऐड फोटो पे, दोबारा ऐड फोटो पे हम जाएंगे। फिर हमें अपने यहाँ पे हेयर को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाकर इसको जो हम इतना ही रखेंगे। फिर यहाँ से इसको राइट कर इसको जो है अपने ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, इतना होने के बाद ये जो है यहाँ इतना होने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पर इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, इरेज वाले ऑप्शन पे आने के बाद कुछ आपको यहाँ पे इतना सेटिंग रखना है। फिर इतना होने के बाद फिर इसको अच्छे से यहाँ पे इसको इरेज कर देना है, ताकि ये जो है रियल लगे। तो आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से आपको बताया। इसको आप जो है सिर्फ अपने ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा आराम से बनाइएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस तरह आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इतना होने के बाद फिर यहाँ से इसको हम राइट कर देंगे। फिर राइट करने के बाद फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे हम आएंगे। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आना होगा। फिर यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आपको इस वाले ऑप्शन पे आकर फिर इसकी जो है हम यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे दोबारा आएंगे। फिर इसको हम इन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे अपने हाथों से यहाँ पे लगा दे रहा हूँ ये जो कलर है। तो आप भी कुछ इसी प्रकार से ये जो है इस कलर को अपने फेस पर पूरा अच्छे से यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो कुछ इसी प्रकार के ये जो कलर है आप यहाँ पर रखिएगा, तभी ये जो है रियल लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से जो है इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको इस कलर को यहाँ पे ऐड कर लिया है। आपको यहाँ पे अपने हैंड के पास भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। तो ये यही कलर आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये कलर आपको इतना परसेंट रखना है, 180% आप रखिएगा तो ये जो कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से इसको राइट कर देंगे। तो राइट करने के बाद फिर दोबारा ऐड फोटो पर जाएंगे। फिर हम यहाँ पर कुछ PNG को ऐड करेंगे। तो इस PNG का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ऐड कर लीजिएगा। इसको जो है सबसे पहले तो हम अपने आँखों के पास इसको यहाँ से लगा देंगे। फिर इसकी जो साइज़ है आप इतना ही रखिएगा। फिर इसकी जो ओपेसिटी आप थोड़ा सा कम कर इसका एक डुप्लीकेट यहाँ से क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट निकाल कर इसको आप अपने दूसरी आँखों के पास जाकर लगा दीजिएगा। फिर लगाने के बाद ये जो इरेज वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये जो फालतू पार्ट है ऊपर का, इसको इरेज कर दीजिएगा अच्छे से। फिर इतना होने के बाद फिर ये जो हम इस पार्ट को जो है इस PNG को अपने हाथों के पास इसको हम यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा रियल लग रहा है। फिर यहाँ से इसको हम राइट कर देंगे। राइट करने के बाद फिर दोबारा ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक PNG जो है इसको ऐड करेंगे। फिर एक PNG को हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। फिर इस PNG को हम अपने माथे के पास ले जाकर यहाँ पे अच्छे से इसको लगा देंगे। फिर इसकी जो ओपेसिटी आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। फिर कम करने के बाद अब इस PNG को हम अपने हैंड के पास अच्छे से यहाँ पर लगाएंगे। फिर लगाने के बाद फिर इरेज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा। फिर इसको जो है इसके हाथों के पीछे ये जो लाने के लिए ये जो हाथों के आगे ये जो है इसको हम इरेज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से ये जो आप बना सकते हैं। फिर इतना होने के बाद फिर यहाँ से इसको राइट करने के बाद फिर इसको हम पूरा राइट कर देंगे। फिर ऐड फोटो पे दोबारा जाएंगे। फिर हम यहाँ पे जो है स्मोक वाली PNG को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो स्मोक वाली PNG को आपको यहाँ पर अच्छे से लगा देना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इतना होने के बाद फिर यहाँ से इसको राइट कर देंगे। फिर दोबारा ऐड फोटो पर जाएंगे। तो ऐड फोटो के बाद ये जो लास्ट वाला PNG है इसको हम सबसे बाद में लगाएंगे, सबसे लास्ट में इसको जो है हम लगाएंगे। फिर आपको अच्छे से जूम कर लीजिएगा। फिर यहाँ से इसको राइट करने के बाद फिर दोबारा ऐड फोटो पे जाएंगे।
फिर आपको महादेव वाला पीएनजी को हम यहाँ पे इसको नीचे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार का जो फोटो बन के तैयार हो चुका है, तो इसी तरह आप भी बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है, तो इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहेगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, फिर यहाँ से इसको एक बार क्लिक कर इसको आप अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।